गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो लुक है वो ये सिंपल ग्लैम लुक है जो कि मैंने क्रिएट की है इस ड्रेस के साथ। ये ड्रेस है, इस तरह का काम हुआ है और ये ऑरेंज येलोश टाइप इसके अंदर काम हुआ है। साथ में मैंने येलो हिजाब कैरी किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि कैसे मैंने ये लुक कैरी किया है। सो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, जो कि W7 का प्राइमर है। ग्रीन प्राइमर इसलिए है क्योंकि ये जो मेरे फेस के दाग धब्बे हैं और पिंपल्स के निशान हैं इनको ख़त्म करेगा, मतलब ख़त्म एज अ ख़त्म नहीं करेगा, मतलब बेस के नीचे से नज़र नहीं आएंगे। कैमरे में आपको मेरी फेस बिल्कुल क्लीन लग रहा होगा, लेकिन इन रियल में जो थोड़े से निशान हैं पिंपल्स के फेस पे। और प्राइमर को मैं पूरे फेस पर अच्छी तरह लगा लूँगी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और ये है शेड Beige 4। क्योंकि मैं थोड़ी सी विटिश में हूँ तो ये मेरा शेड है Beige 4, और इसको मैं अपने फेस पे डॉट की मदद से, ब्रश की मदद से अपने फेस पर अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी डॉटेड करके सारा। और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल लाइट कवरेज लगानी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, मैंने इसका सिर्फ 1 ही ड्रॉप निकाला है और वही मैं अपने पूरे फेस पे जो है वो स्प्रेड करूँगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल ग्लैम लुक देनी है, दैट्स व्हाई। इस पे फाउंडेशन को ब्रश की हेल्प से जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लूँगी। यू कैन सी कि फुल कवरेज फाउंडेशन, अगर आप लाइट कवरेज भी दो तो ये बहुत मज़े से ब्लेंड हो रही है मेरे फेस पे, क्योंकि मेरा फेस प्राइम था और बिल्कुल ही मैंने लाइट सी फाउंडेशन अप्लाई की है, लाइट कवरेज की है। वैसे ये फाउंडेशन फुल कवरेज है, इसका 1 ड्रॉप ही आप देख सकते हो कि कितने ज़बरदस्त कवरेज दे रहा है मुझे। और आईज़ को भी मैं इसी से प्राइम कर लूँगी, प्रेप कर लूँगी आई शेडोज़ के लिए। मैं अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, पाउडर से ही मेरे डार्क सर्कल्स कवर हो जाएंगे। और पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टाइन का Ivory 8, मेरा शेड है Ivory 8 नेचुरल मेरा शेड है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे लगता है क्रिस्टाइन का पैनकेक पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं, पैनकेक पाउडर। इसको आप एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं एज अ पाउडर यूज़ करती हूँ। अच्छी तरह से अपने फेस को पाउडर करने के बाद मैं जो एक्सेस पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ और अब मैं अपनी आईज़ की तरफ जा रही हूँ। आईज़ में बिल्कुल लाइट सी ग्लैम आईज़ बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैंने कुछ लाइट सा पीची अंडरटोन वाला शेड लेके पूरी आँख पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है ताकि एक बेस कलर बन जाए। और उसके ऊपर फिर मैं हल्का सा कोई ब्राउन शेड लूँगी और उसको अपने कॉर्नर में लगाऊंगी। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा शेड लिया है मैंने और ये रेडिश लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये ब्राउन मैंने शेड लिया है। और इसको मैं अच्छे से अपनी जो है वो क्रीस लाइन में लगाऊंगी, जो मेरी क्रीस लाइन लाइट ब्राउन कलर से मैंने अपना सॉकेट बना लिया है। आई का ऑरेंज शेड है ये, उससे मैंने अपना सॉकेट बना लिया है। अब मैं अपनी मिडल में जो जगह खाली रह गई थी अपनी लिड के ऊपर मैं शिमर शेड लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा शिमर शेड है, लाइट गोल्डन टाइप सा। उसको मैं अच्छे से अपनी आईज़ के ऊपर सेट कर रही हूँ ताकि एक बहुत ही सिंपल सा ग्लैम लुक आ जाए, ज़्यादा ओवर मेकअप भी ना लगे और बहुत ही सिंपल मेकअप ये ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए, अगर वो आई शेडो पसंद करती हैं तो। यू कैन सी कि इस तरह से आईब्रोज़ को जो है वो बनाऊँगी। आईब्रोज़ के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर रही हूँ, जो कि मैं इनको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाऊँगी जैसे मेरी बाकी वीडियोस में मैं बनाती हूँ। जस्ट मैंने एक आईब्रो ब्रश लिया है, उससे अपनी आईब्रोज़ को पहले कॉम कर लिया है और उसके अच्छे से कॉम करने के बाद जब सारी फाउंडेशन उसके ऊपर से उतर गई है आईब्रोज़ के ऊपर से, तो मैं एक कॉम्पैक्ट ले रही हूँ जो मेरा आईब्रो जेल है और उससे मैंने इनको सेट कर लिया है उस पुली के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा के। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी शेडो लगा रही हूँ, वही शेडो जिससे मैंने अपनी क्रीज लाइन क्रिएट की थी, कॉर्नर बनाया था, वही आई शेडो मैं अपनी नीचे वाली लोअर लाइन पे भी लेके जाऊंगी ताकि एक प्रॉपर आई लुक आए। और जो एक्सेस है वो मैं पाउडर से रिमूव कर रही हूँ और अब मैं लगाऊंगी लाइनर। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्वा लाइनर और ब्रश के साथ मैं इसको अप्लाई करूँगी वेट ब्रश के साथ, और बिल्कुल बारीक सी मैं एक लाइन लगाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है कि लगेगी नहीं,
एक्चुअली मैं थोड़ा सा विंक चाह रही थी, इसलिए मैंने आज एक्वा लाइनर लगाने की कोशिश की है। देखिए बारी है और मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ओरी फ्लेम्स का वॉल्यूमाइज मस्कारा। मस्कारा लगाने की ट्रिक ये है कि आप पहले अपनी लैशेस को ऊपर से नीचे की तरफ मस्कारे से कोट करो और देन फिर दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ कोट करो, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और ऐसे ही लोअर लैश लाइन पर भी मैं अप्लाई करूँगी। यू कैन सी ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूमाइज कर देता है आपकी आई लैशेस को और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। इस तरह से फिर आपको फेक लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फेक लैशेस बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ ब्लश। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रीडम रेयर। फ्रीडम का रेयर शेड है और ये बड़ा ही पीची सा शेड है। यू कैन सी फोकस, यू कैन सी कि कितना खूबसूरत से पारी है। और लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हुदा ब्यूटी की वीडियो स्टार, और ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर है। और लिपस्टिक कभी भी मैं एक लगा के सेटिस्फाइड नहीं होती। मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं लिपस्टिक्स में मिस एंड मैच करती रहती हूँ। ये लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ी डार्क लग रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक ऐड किया था और बहुत खूबसूरत लगने लग गई थी। काजल अप्लाई करूँगी, वाइट काजल बहुत ही अच्छा लगता है आईज़ के अंदर। और मेरे पास ये लैक्मे की वाइट आई पेंसिल है जो मैं अपनी आईज़ में अप्लाई कर रही हूँ। पीटर हाइलाइटर का ये जो पैलेट है, ये W7 का पैलेट है, बहुत ही ज़बरदस्त पिगमेंटेड पैलेट है ये। यू कैन सी ऑन माय फेस कि कितनी प्यारी सी इसने शाइन दी है, ग्लो किया है मेरे फेस को। और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर्स, ये बहुत ज़बरदस्त है। और हाइलाइटर भी हो गया। अब लास्ट है कि मैं अपनी लोअर बोन्स को, मतलब लोअर आईब्रो बोन्स को और इनर कॉर्नर्स को जो है वो भी हाईलाइट करूँगी सेम हाईलाइटिंग पैलेट से। एंड माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, यू कैन सी। फाइनल लुक, होप यू लाइक दिस लुक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड होपफुली सी यू माई नेक्स्ट वीडियोज। टेक केयर, अलाव।